प्यारे बच्चों, मैं AK सिंह आप सभी का अपने इस YouTube चैनल हैशटैग मैथमेटिक्स में स्वागत करता हूं। पिछले लेक्चर में हमने एडिशन मतलब जोड़ ख़त्म कर चुका था। इस लेक्चर में हमें स्टार्ट करना था सबट्रैक्शन मतलब घटाना। चलिए देखते हैं, डेफिनेशन देखते हैं। डेफिनेशन कह रहा है जब किसी अधिक वस्तु में से थोड़ा भाग अथवा पूरा भाग निकाल लिया जाता है तो इसे क्या कहते हैं, घटाना। जैसे देखिए, जब किसी अधिक वस्तु में से थोड़ा भाग अथवा पूरा भाग निकाल लिया जाता है, तो इसे क्या कहते हैं, घटाना कहते हैं। अब देखिएगा, इसे क्या किससे प्रदर्शित करते हैं, माइनस चिन्ह, मतलब एक बेड़ी चिन्ह लगा दिया जाता है, उसी को माइनस चिन्ह कहते हैं, के द्वारा व्यक्त किया जाता है। अब देखिए, नोट में हमने लिखा, अब सार रूप में जानिए कि क्या कहते हैं कि कम होना घटाना है। अब समझिएगा, एग्जांपल से समझते हैं। कोई श्याम है, श्याम के पास जो है तीन चॉकलेट था। अब क्या आता है, उसी के पास क्या आता है, मोहन आता है और क्या करता है, उसमें से एक चॉकलेट ले लेता है। क्या करता है, एक चॉकलेट कौन ले लेता है, मोहन। ठीक, तो अब टोटल देखिए कितना बचा श्याम के पास, दो तो बचा ना। ठीक, तो यही देखिए, अब श्याम के पास क्या हो गया, चॉकलेट कम हो गया, श्याम के पास चॉकलेट कम हो गया। ठीक, तो इस घटना को ही हम घटाना कहते हैं। क्या कहते हैं, घटाना कहते हैं, यानी इस टॉफी का कम हो जाना ही हमारा क्या है, घटाना है। ठीक, यानी इसको ये समझे घाटा लग गया, श्याम को क्या कर गया, एक चॉकलेट का घाटा लग गया, यही हमारा क्या है, घटाना है। प्यारे बच्चों देखिएगा, कह रहा है सबट्रैक्शन ऑफ वन डिजिट, यानी एक अंकीय घटाना। अब पिछले लेक्चर में आपने पढ़ रखा था, एक अंक किसे कहते हैं, दो अंकीय किसे कहते हैं, तीन अंकीय किसे कहते हैं और चार अंकीय किसे कहते हैं। ठीक, तो समझ लेते हैं, एक अंकीय मतलब ऐसी संख्याएं जो क्या हो मतलब ये कि एक अंकी मतलब वन से लेके नाइन तक की संख्याएं जो होंगी एक अंकीय संख्या कहलाएंगी। अब वहीं क्या है, दस से लेके निन्यानवे तक की दो अंकीय, फिर तीन अंकी की बात करें तो 100 से लेके 999 क्या हो जाएगा, तीन अंकी। इसी तरीके से आगे बढ़ता जाएगा। तो इसमें देखिएगा, एक अंकी देखिए यहाँ क्या है, 4 है, यहाँ 3 है। ठीक, यानी ये क्या है, सिंगल डिजिट है, मतलब अकेला अंक है। ठीक, तो इसको अब हमें घटाना सीखना है, कैसे घटाएंगे, चलिए देखते हैं। इसको हम लिख सकते हैं इस रूप में, देखिए कह रहा 4-3=2 कितना होगा, मैं पूछ रहा हूँ। तो हमें इसको क्या किया, देखिए इकाई इकाई है तो इकाई को इकाई के नीचे लिख दिया। ठीक, लिखने के बाद अब देखिएगा ऊपर कितना है, 4 लाइन खींच दिया हमने, माइनस था माइनस लगा दिया, फिर 3 है 3 लाइन खींच दिया। ठीक, अब देखते हैं आगे आता क्या है। तो इसको सीखने के लिए प्यारे बच्चों कुछ भी नहीं है। अब देखते हैं यहाँ पर क्या है, तो यहाँ 3 लाइन है तो 3 लाइन इसमें काट दीजिए, क्या कीजिए, 3 लाइन है, देखिए 1 2 3 1 2 3, इस तीनों लाइन को काट दीजिए। काटने के बाद देखिए बच क्या रहा है, एक लाइन बचा, तो वहीं क्या होगा, एक लाइन है मतलब एक है, तो हम क्या करेंगे, एक लिख देंगे। ठीक, समझ में आ गया। इसी तरीके से अब हम सीखेंगे दो अंकी, हाँ, तो अब देखते हैं सबट्रैक्शन ऑफ टू डिजिट यानी दो अंकीय घटाना। अब देखिएगा, आपके सामने लिखा हुआ है 12-10 यानी 12-10 बराबर क्या मिलेगा,
अब तो देखिए बच्चे इसमें टू डिजिट है कि नहीं। अब देखिए ये 12 है, 10 से लेके 99 के बीच का जो नंबर होता है क्या होता है, टू डिजिट नंबर कहलाता है। देखिए 12 है, ये 10 है कि नहीं, तो ये टू डिजिट हो गया। ठीक, अब देखिए हम इसको क्या करते हैं, इसके वंस को, इन सबों के वंस को वंस के नीचे लिखेंगे। देखिए इसमें वंस वाला क्या है, ये है, ठीक, और इसमें क्या है, जीरो है, लिख दिया। टेंस वाला देखिए वन है, इसमें वन है, वन वन के नीचे लिख दिया। ठीक, तो हमारा जो फॉर्म आ गया है ये इस तरीके से आ गया। लेकिन अब ये ऊपर देखिए क्या लिखा हुआ है, यही शो किए हैं कि ये जो डिजिट है ये क्या है, वंस है, यानी इकाई का है। ठीक, ये जो अंक है क्या है, तिहाई का, यानी टेंस है। ठीक, अब देखिए चलते हैं घटाना सीखते हैं। तो देखिए वंस वाले हम डिजिट को उठाते हैं, लिखते हैं, तो देखिए वंस वाला हमने शो कर दिया कि वंस है। ठीक, अब देखिए ये टू है, तो हमने टू लाइन खींच दिया। अब घटाना था इसलिए घटाने का सिंबल लगा दिया, लग गया। अब देखिए उसमें जीरो घटाना है, मतलब कुछ नहीं घटाना है। ठीक, तो हमने कट कुट लगा दिया, ठीक, क्रॉस का सिंबल लगा दिया। लगाने के बाद देखिए बच क्या रहा, जब बच्चा हमारे पास, ऐसा समझिए कि हमारे पास अगर दो टॉफी थी, हम किसी को भी दो टॉफी दिए ही नहीं। अगर हमारे पास दो टॉफी थी, हम किसी को भी दो टॉफी दिए ही नहीं, तो हमारे पास कितना बचेगा, दो बचेगा। ठीक, तो देखिए ये दो बच गया। फिर ऐसे ही टेंस वाला हम देखते हैं क्या है, टेंस वाला यहाँ पर लगा दिया, मतलब दहाई वाला ले लिया, तो वंस वन है, वन लाइन खींचा। फिर घटाना है, फिर घटाने का सब चिन्ह लगाया, फिर उसके बाद वन है, वन लिख दिया। ठीक, अब देखिए बचा क्या, जब बच्चे यहाँ पे हम ये कह रहे कि हमारे पास एक टॉफी थी और क्या आया, कोई आया, हम वो भी हमसे ले लिया, तो क्या बचा, कुछ भी तो नहीं बचा। ठीक, कट गया, तो क्या हो गया, कितना बचा, जीरो। अब देखिए इसी बच्चे अब वंस को वंस के नीचे, टेंस को टेंस के नीचे लिख देते हैं। देखिए वंस कितना आया, वंस कितना आया, टू आया। ठीक, टू लिख दिया, और फिर टेंस कितना आया, जीरो आया, जीरो लिख दिया। यानी हमारा जो आंसर आ रहा है, जीरो टू आ रहा है। ठीक, अब ध्यान दीजिएगा, कभी कभी कुछ लोग कन्फ्यूज आएंगे, यानी क्या कि ये जीरो टू है, लेकिन यही क्या हो जाएगा, आपका टू भी हो जाएगा। ठीक, ये दोनों बराबर है, कभी भी कन्फ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। ठीक, ये जीरो टू टू के बराबर है, समझ में आई बातें। देखिए सामने आपके थ्री डिजिट सब्ट्रैक्शन है, तीन अंकीय घटाना है, तो 421-310 सब्ट्रैक्ट करना है। तो देखिए हमने क्या किया, इसी फॉर्म में लिख दिया। देखिए वंस के नीचे वंस को, टेंस के नीचे टेंस को, 100 के नीचे 100 को लिखने के बाद हमने देखिए घटाया है। इधर ये वन लाइन है, वंस वाला लिखा नंबर्स, वन लाइन है, और उसमें से घटाना कितना है, जीरो घटाना है, इसलिए बचा क्या, वन बचा। ऐसे ही टेंस वाला लिखा, देखिए टू लाइन्स है, टू लाइन खींचा, फिर उसको घटाना क्या है, वन घटाना है, तो वन वन लाइन खींचा। ठीक, घटाने का सिंबल लगाया। ठीक, फिर उसके बाद एक लाइन से नीचे वाले एक लाइन से ऊपर वाला एक लाइन कट गया, तो बचा क्या, एक लाइन। ठीक, ऐसे ही 100 में से, देखिए 100 में से ऐसे ही किया। ठीक, तो क्या करेंगे फिर से, देखिए 4 है, 4 लाइन खींचा, माइनस का साइन लगाया, फिर उसके बाद 3 लाइन कट गया, कितना आ गया, 1 आ गया। तो ऐसे ही आंसर हमारा कितना आ गया, 111, यानी 421 में से हम सब्ट्रैक्ट करेंगे 310, तो कितना आ गया, 111। इसी तरीके से हम आगे देखेंगे क्या फोर डिजिट सब्ट्रैक्शन। जैसा कि आप देख रहे हैं आगे फोर डिजिट सब्ट्रैक्शन है, तो उसको घटाना है क्या है, 4629 में से आपको सब्ट्रैक्ट करना है कितना, 2517। क्या करना है, 2517। तो हम करेंगे क्या, ध्यान से देखिएगा, 4629 में से हम घटाएंगे 2517, तो उसमें से अब घटाने के लिए देखिए वंस के नीचे वंस, टेंस के नीचे टेंस,
हंड्रेड के नीचे हंड्रेड एंड थाउजेंड के नीचे थाउजेंड, मतलब इकाई के नीचे इकाई, दहाई के नीचे दहाई, सैकड़ा के नीचे सैकड़ा, हजार के नीचे हजार रख देंगे। अब इसमें से घटाएंगे, अब देखिएगा समझिएगा, नाइन में से अगर हम सेवन नाइन लाइन खींचने के बाद सेवन लाइन उसमें से काट देते हैं, कितनी लाइन बचेगी? टू लाइन। ठीक, टू लाइन खींचने के बाद वन लाइन अगर काट देते हैं तो क्या बचेगा? वन बचेगा। ऐसे ही सिक्स लाइन खींचने के बाद, छः लाइन खींचने के बाद पाँच उसमें से खत्म हो जाता है, कट जाता है, एक बचेगा। चार लाइन खींचने के बाद उसमें से टू कट जाता है तो क्या बचेगा? टू कट बचेगा। ठीक, इस तरीके से आंसर जो आपका आने वाला है वो क्या हो जाएगा? टू वन वन टू। ठीक, क्या? टू वन वन टू। इस तरीके से प्यारे बच्चों आपने घटाना अभी तक सीख लिया है, अब नेक्स्ट लेक्चर में हम सीखेंगे क्या? हासिल का घटाना। क्या? हासिल का घटाना। तो आइए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, धन्यवाद।